नमस्कार, मैं मुकेश शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल मुकेश शर्मा फेनो मुकेश में। आज का हमारा टॉपिक है विमीय समीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायमेंशनल इक्वेशंस। तो डायमेंशनल इक्वेशंस क्या होती है, इसको हम दो पॉइंट से जानेंगे। पहला पॉइंट है इसका कि व्युत्पन्न राशि जो होती है उसको मूल राशि के पदों में व्यक्त करना। व्युत्पन्न राशियां वे होती है जो मूल राशियों पर निर्भर करती है, यानी कि ये स्वतंत्र नहीं होती है। तो इन व्युत्पन्न राशियों को हम किसके रूप में व्यक्त करेंगे, मूल राशियों के रूप में व्यक्त करेंगे। मूल राशियां कौन सी, जो हमने साथ लिखी थी, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की तीव्र मात्रा, ये जो राशियां थी ये क्या थी, मूल राशियां थी। इन राशियों के पदों में हम किसको लिखेंगे, व्युत्पन्न राशि को लिखेंगे। तो वो क्या बन जाएगा, फिर विमीय समीकरण वहां पर बन जाएगा। उसके बाद में मूल राशि की विभिन्न घातों के गुणनफल में और जो राशि आएंगी उनकी घात आएंगी, उन सभी को क्या करेंगे, हम गुणनफल के रूप में इनको लिखेंगे। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, विमीय समीकरण बन जाएगा। और ये जो घातें होंगी, फिर ये जो घात आएंगी, इन घातों को बोलेंगे हम विमाएं। ये घातें कहलाती हैं विमाएं, डायमेंशंस। ये क्या कहलाती है, विमाएं कहलाती हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। जैसे हम ऊर्जा के लिए लिखते हैं, तो ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता। यानी कि इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, कार्य का फॉर्मूला होगा। और कार्य का फॉर्मूला नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, बल गुणा विस्थापन। ये क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला होता है, बल गुणा विस्थापन। बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो हम बल को लिखा द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी कि इनको मूल राशि में लिखना, जहां तक हम इसको लिख सकते हैं, गुणा विस्थापन यहाँ पर आ गया, ये विस्थापन पहले से था ही। उसके बाद में हमने लिखा द्रव्यमान तो मूल राशि है ही, विस्थापन मूल राशि है ही। तो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं वेग बटा समय। यहाँ पर तो समय क्या आ गया, यहाँ पर हमारे पास में मूल राशि आ गई। उसके बाद में क्या बच गया, वेग। वेग का भी फॉर्मूला होता है, वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन पहले से था ही, विस्थापन का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। और बटा समय भी पहले से था तो क्या हो गया, समय का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, सारा का सारा इसमें किस में लिख लिया, मूल राशि के रूप में लिख लिया कि द्रव्यमान किसका हो गया, द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या हो गया, मूल राशि हो गई। विस्थापन भी क्या हो गई, मूल राशि हो गई। और ये समय भी क्या हो गया, मूल राशि हो गई। यहाँ पर देखो द्रव्यमान की घात कितनी है, एक है। विस्थापन की घात कितनी है, दो है। और समय की घात कितनी है, दो है। तो ये यहाँ पर जो घातें हैं और सभी को हम क्या कर रहे हैं, मूल राशियों को गुणनफल के रूप में लिख रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पर ये लिखा मूल राशि की विभिन्न घातों के गुणनफल के रूप में, मूल राशि की विभिन्न घातों के। और ये क्या हो गया, गुणनफल के रूप में हम इसको क्या करते हैं, लिखते हैं। और यहाँ पर ये जो घातें होती हैं वो घातें कहलाती हैं विमाएं, डायमेंशंस। इनको क्या बोलते हैं, डायमेंशंस बोलते हैं। तो मान लीजिए कोई भौतिक राशि है, उसको मैं दर्शा रहा हूँ किसके द्वारा, क्यू के द्वारा। कोई भौतिक राशि है उसको दर्शा रहा हूँ किसके द्वारा, क्यू के द्वारा। और हमें किसके रूप में लिखनी है, केवल और केवल आनी चाहिए यहाँ पर मूल राशियां। तो नॉर्मली जो मूल राशियां काम में आती हैं अभी, तो वो काम में आती है एम, एल और टी, मास, लेंथ और टाइम। ये क्या हो गई, मूल राशियां। और इन सभी को विमीय समीकरण लिखते समय इन सभी को क्या लिखा जाता है, बड़े कोष्ठक के रूप में इनको लिखा जाता है। फिर उनके ऊपर ये घातें देखिए, यहाँ पर ये घात आ गई तो कोई और फॉर्मूला आएगा, उसमें दो घात, तीन घात, चार घात, कितनी भी घात आ सकती है। तो यहाँ पर जैसे ये घात आ गई, ए आ गई, यहाँ पर घात आ गई, बी यहाँ पर घात आ गई, सी आ गई। अब हम इसको क्या कर देंगे, एक बड़े कोष्ठक के रूप में बंद कर देंगे। इस प्रकार से ये जो पूरा यहाँ पर बना है, ये जो समीकरण पूरा बना है, इस पूरे समीकरण को बोला जाता है विमीय समीकरण। ये पूरा समीकरण क्या कहलाता है, ये पूरा समीकरण कहलाता है विमीय समीकरण। और यहाँ पर ये जो ए, बी और सी है, ये कहलाती है इसकी विमाएं, इनको बोलते हैं विमाएं। और यहाँ पर ये जो यहाँ पर दाहिना भाग है, यहाँ पर केवल और केवल ये, इसको बोलते हैं विमीय सूत्र, इसको बोलते हैं विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला। ये होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। पूरा तो होगा विमीय समीकरण, इसके ऊपर जो घाते लगी है उनको बोलते हैं विमाएं। और ये जो आगे वाला है ये क्या हो गया, इसका विमीय सूत्र। तो यदि हम इसको बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे कि कार्य का विमीय सूत्र क्या हो गया, कार्य का विमीय सूत्र हो जाएगा। यहाँ पर जो हम ज्ञात करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर घात आ रहे, एक दो माइनस दो आ रहे, तो कार्य का विमीय सूत्र हो जाएगा एम वन एल टू टी माइनस टू। ये क्या हो जाएगा, कार्य का फॉर्मूला हो जाएगा। अब इनको हम कैसे ज्ञात करते हैं वो हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम जो विमीय सूत्र ज्ञात करेंगे वो ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला हो गया, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसको किसके रूप में लिखना है, एम एल टी के रूप में लिखना है। आगे हम जैसे जैसे चैप्टर और पढ़ते जाएंगे तो वहां पर और भी आ सकता है, विद्युत धारा के लिए ए भी आ सकता है यहाँ पर। उसके बाद में विद्युत धारा के लिए ए आ गया, ताप के लिए जैसे क्या आ गया, के आ गया, फिर ज्योति तीव्रता के लिए क्या आ गया, सी डी आ गया, पदार्थ की मात्रा, ये भी यहाँ पर
इंक्लूड हो सकते हैं, लेकिन अब हमारे अभी ये केवल केवल तीन ही काम याद है, इसलिए हम तीन को ही लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम विमीय सूत्र की याद करते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई के लिए इस एम एल टी में से कौन सा काम मिलेंगे? एम द्रव्यमान काम में नहीं आएगा, क्योंकि लंबाई है उसको बताने के लिए हम द्रव्यमान को कभी भी काम में नहीं लेते हैं। जैसे हमें 1 मीटर लंबाई बतानी है तो हम ये नहीं बताते कि 1 मीटर 1 किलो में है, 2 किलो में, ऐसे नहीं बताते। केवल और केवल क्या आएगी इसमें, तो क्या आएगी, लेंथ आएगी। तो एम की घात यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। एल है इसमें, तो लंबाई के लिए एल क्या हो गया? 1 हो गया। फिर लंबाई को बताते समय हम टाइम को नहीं बताते हैं। जैसे हम ये बता रहे हैं कि 12:05 पर 1 मीटर है, 12:06 पर 2 मीटर है, इस प्रकार से इसको नहीं बताते। इसलिए यहाँ पर केवल और केवल क्या गया, टी की घात यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ये विमीय सूत्र लिखा हमने किसका? लिखा है लंबाई का। इसी प्रकार से हम किसका लिखेंगे? चौड़ाई का। कितना हो जाएगा? चौड़ाई भी क्या है, एक प्रकार से लंबाई, चौड़ाई भी एक प्रकार से क्या है, लेंथ ही है। तो यहाँ पर लिखेंगे M0L1T0। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जहां आधार समान होता है वहां पर घातांकें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो एम यहाँ पर, यहाँ तो है घात 0, तो जुड़ जाएंगे तो भी कितना रह जाएगा, M0। फिर यहाँ पर आधार समान है, घातांकें जुड़ जाएंगे तो एक और एक कितने हो जाएंगे, 2 आ जाएंगे। फिर कितना आ जाएगा, T0। तो ये जो विमीय सूत्र है वो किसका है, क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र हो गया M0L2T0। इस प्रकार से हम क्षेत्रफल का विमीय सूत्र ज्ञात करते हैं। उसके बाद में नंबर 2 हम ज्ञात करते हैं आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई भी किस में मापते हैं हम, एम के एस पद्धति की बात करें, ऊंचाई भी किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। तो लंबाई के लिए तो वही M0L1T0 हो जाएगा, चौड़ाई के लिए कितना हो जाएगा, M0L1T0, और वो का वही किसके लिए हो जाएगा, ऊंचाई के लिए M0L1, और क्या हो जाएगा, T0। फिर वही आधार समान घातांक जोड़ देंगे, एम की घात कितनी हो जाएगी, 0+0+0 कितनी हो जाएगी, 0। फिर L1+1+1 कितनी हो जाएगी, L3, और T0+0+0 कितना हो जाएगा, 0। इस प्रकार से ये विमीय समीकरण आ गया है किसका, आयतन का। ये हम दो विमीय समीकरण ज्ञात कर चुके हैं। उसके बाद में हम अगला विमीय समीकरण ज्ञात करना चाहें, तो अगला विमीय समीकरण हम देखते हैं नंबर 3 हम ज्ञात करते हैं घनत्व का। तो घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। घनत्व का फॉर्मूला हो गया द्रव्यमान बट्टा आयतन। तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, M1L0 आ जाएगा, और T क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर आयतन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आयतन का फॉर्मूला आ जाएगा, आयतन का लिखेंगे, अभी हमने ज्ञात किया है, M0L3, और क्या आ जाएगा, T0। फिर घाते ऊपर जाएंगी तो क्या हो जाएंगी, प्लस में है तो माइनस में हो जाएंगी, और यदि माइनस में है तो किस में हो जाएंगी, प्लस में हो जाएंगी। तो यहां पर हम इसको लिखेंगे M1L0T0। फिर ये ऊपर जाएंगे तो 0 तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, M0, और यहाँ आ जाएगा L-3, और क्या आ जाएगा, T0। फिर वही फॉर्मूला लगाना है, आधार समान तो घातांकें जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, M1 हो जाएगा, L0-3 कितना हो जाएगा, -3, और क्या आ जाएगा, T0। ये विमीय समीकरण आ गया घनत्व का। इस प्रकार से हम विमीय समीकरण किसके ज्ञात कर लिए, क्षेत्रफल का ज्ञात कर लिया, फिर किसका ज्ञात कर लिया, आयतन का ज्ञात कर लिया, और फिर किसका ज्ञात कर लिया, घनत्व का ज्ञात कर लिया। अब आगे हम नेक्स्ट इसमें विमीय समीकरण देखते हैं। अब हम नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला ज्ञात करेंगे, और वो है चाल। नंबर 4 चाल। तो चाल का फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो दूरी का हम क्या लिखेंगे, M0L1T0, और समय का लिखेंगे M0L0 और T1। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, M0L1T0, और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा M0L0T-1। कितना हो जाएगा यहाँ पर, M0L1 और T-1। ये फॉर्मूला आ गया किसका, चाल का। उसके बाद में नेक्स्ट विमीय समीकरण है वेग का। तो वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बट्टा समय। अब विस्थापन भी क्या है, एक प्रकार की लेंथ ही है, तो इसके लिए हम क्या क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे M0L1T0, और समय का वही रहेगा M0L0T1। तो इसका भी फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सेम जैसा चाल का है, M0L1T-1। यानी कि चाल और वेग का जो विमीय समीकरण होता है वो क्या होता है, सेम होता है। उसके बाद में नंबर 6 है त्वरण।
त्वरण का क्या फॉर्मूला होता है? वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि वेग बटा समय। तो वेग का फॉर्मूला चाहे तो आप दोबारा याद कर लें, या इसका हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं m0 L1 t-1, और यहाँ पर हम समय का लिखा m0 L0 t1। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला आ जाएगा m0, ये तो 0 का 0 रह जाएगा, L1 में से 0 जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा L1 t-1, और t1 ये ऊपर जाएगा तो t-1, तो -1 -1 कितना हो गया -2। ये किसका फॉर्मूला आ गया? त्वरण का। इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे किसका? गुरुत्वीय त्वरण का। तो गुरुत्वीय त्वरण का भी क्या रहेगा? सेम ऐसा कैसा रहेगा? गुरुत्वीय त्वरण का भी क्या रहेगा? ये रहेगा। गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला देखना चाहिए, जी बराबर gm/r2। तो इसको ज्ञात करेंगे तो भी क्या आएगा, इसका यही फॉर्मूला आएगा। गुरुत्वीय त्वरण का भी क्या है? सेम फॉर्मूला। त्वरण का ज्ञात हो गया। उसके बाद में हम ज्ञात करेंगे बल का, नंबर 8, बल का। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है? बल का फॉर्मूला लिखते हैं हम F=ma, यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान का फॉर्मूला हो जाएगा m1 L0 t0, और त्वरण का भी हमने ज्ञात किया है m0 L1 t-2। वही फॉर्मूला, आधार समान तो घातांक के जुड़ जाएंगी। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर m1 और 0 1, L0 1 कितना आ गया 1, और 0 -2 कितना हो गया -2। तो ये आ गया बल का m1 L1 t-2। फिर नंबर 9 हम ज्ञात करेंगे बल के बाद में होता है कार्य का। तो कार्य का फॉर्मूला होता है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। बल का फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर m1 L1 t-2, और विस्थापन का हो जाएगा m0 L1, और कितना हो जाएगा t0। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, m1 और 0 कितना हो गया 1, L1 और 1 कितना हो गया 2, t-2 और 0 कितना हो गया -2। ये फॉर्मूला आ गया कार्य का। फिर हम बात करेंगे ऊर्जा की। तो कार्य करने की क्षमता क्या होती है? ऊर्जा। ऊर्जा के फॉर्मूला भी क्या होता है? यही होता है। तो यही जो विमीय समीकरण है वो किसका हो गया? ऊर्जा का हो गया। सेम ऐसा कैसा, किसका हो गया? ऊर्जा का हो गया। उसके बाद में ऊर्जा में भी यदि हम ज्ञात करना चाहें स्थितिज ऊर्जा का, तो स्थितिज ऊर्जा का भी क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। फिर हम बात करना चाहें किसका? गतिज ऊर्जा का, तो गतिज ऊर्जा का भी क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। फिर हम बात करें किसकी? बल आघूर्ण की। तो बल आघूर्ण होता है बल गुणा बलों की क्रिया रेखाओं की गुणनक से लंबवत दूरी। इनकी क्या आता है? दूरी। तो दूरी हो चाहे विस्थापन हो, बात तो एक ही है। बल इसमें क्या है? सेम ही है। उसका विमीय समीकरण तो क्या आता है? एक ही आता है। इसलिए बल आघूर्ण का भी फॉर्मूला क्या हो गया? यही हो गया। तो आपको याद रखना है कार्य का, ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का, और उसके बाद में बल आघूर्ण का, ये क्या होता है? फॉर्मूला एक ही होता है m1 L2 t-2 या 12 -2। आप ऐसे भी इसको क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। उसके बाद एक कार्य के बाद में है नंबर 10 फॉर्मूला है संवेग का। तो संवेग का क्या फॉर्मूला होता है? p=2 होता है mv, यानी कि द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान गुणा वेग। तो द्रव्यमान का फॉर्मूला हो जाएगा m1 L0 t0 गुणा वेग का हो जाएगा m0 L1 t1 t-1। ये हमने यहाँ पर इसको ज्ञात किया। तो ये किसका हो गया? संवेग का। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा m10 कितना हो गया m1 L01 कितना हो गया L1, और t0 -1 कितना हो गया -1। ये फॉर्मूला आ गया किसका? संवेग का। उसके बाद में नंबर 11 पे आता है, नंबर 11 पे आता है आवेग। तो आवेग क्या होता है? आवेग होता है बल गुणा समय अंतराल। बल गुणा समय अंतराल। तो या समय अंतराल या समय, एक ही बात है। तो बल का फॉर्मूला क्या हो गया? बल का फॉर्मूला हो गया m1 L1 t-2, और समय का हो जाएगा m0 L0 t1। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा m10 कितना हो गया 1, L10 कितना हो गया 1, t-2 1 कितना हो गया -1। यानी कि ये और ये क्या है? सेम है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आवेग और संवेग का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है? एक ही होता है, अलग अलग नहीं होते हैं। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आता है वो कौन सा है? शक्ति का। शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर।
कार्य गणित दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन टी पी का ये फॉर्मूला होता है। तो कार्य का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे। कार्य का कहाँ से लिखेंगे? यहाँ से। क्या लिखेंगे? एम वन एल टू टी माइनस टू, और फिर किसका भाग लगेगा? समय का, यानी कि एम जीरो एल जीरो और क्या आ जाएगा? टी वन। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? एम वन माइनस जीरो वन, टू माइनस जीरो टू, माइनस टू ये वन ऊपर जाएगा तो माइनस वन, तो कितना हो जाएगा? माइनस थ्री। ये किसका विमीय समीकरण आ गया? शक्ति का, एम वन एल टू टी माइनस थ्री। इस प्रकार से हम कोई भी विमीय समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। इनके अलावा यदि हम विमीय समीकरण देखना चाहें तो जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करते हैं, तो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं साइन थीटा हो गया, फिर क्या आ गया? कोस थीटा आ गया, टेन थीटा आ गया। इनकी बात करते हैं कोसेक थीटा, सेक थीटा। तो इनमें क्या होता है, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं? हम इस सूत्र से ज्ञात करते हैं, लाल बट्टा कक्का, यानी कि लंब बट्टा कर्ण। तो लंब है, कर्ण है या आधार है, ये सभी के जो विमीय समीकरण आएंगे वो किस में आएंगे? एल के रूप में आएंगे, लेंथ के रूप में आएंगे। तो ऊपर भी क्या आएगी? लेंथ आएगी। नीचे भी क्या आएगी? लेंथ आएगी। जैसे हम बात कर लेते हैं केवल और केवल किसके, साइन थीटा को देख लेते हैं। तो साइन थीटा में लंब के लिए क्या आ जाएगा? एम जीरो एल वन टी जीरो। इसी प्रकार से नीचे क्या आएगा? कर्ण। कर्ण के लिए भी आएगा एम जीरो एल वन टी जीरो। सेम आ गया, तो वन माइनस वन क्या हो गया? जीरो। तो यहाँ पर आ जाएगा एम जीरो एल जीरो टी जीरो। ये विमीय समीकरण किसका आ गया? त्रिकोणमिति अनुपात को। तो सारे त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं? विमाहीन होते हैं। उसके बाद में हम बात करें विकृति की। तो विकृति क्या होती है? विकृति जैसे लंबाई में विकृति को ज्ञात करते हैं, तो लंबाई में परिवर्तन बट्टा प्रारंभिक लंबाई। लंबाई में मोटाई में विकृति, तो मोटाई में परिवर्तन बट्टा प्रारंभिक मोटाई। तो ऊपर भी क्या? मोटाई में परिवर्तन या लंबाई में परिवर्तन। जैसे पहले लंबाई कितनी है? 8 है। उसके बाद लंबाई कितनी हो गई? 7। तो लंबाई में परिवर्तन कितना आ गया? 8 माइनस 7। ये भी किस में आया? मीटर में। यानी ये भी क्या है? लेंथ है। तो लंबाई में परिवर्तन बट्टा प्रारंभिक लंबाई। तो ऊपर भी लेंथ का विमीय समीकरण और नीचे भी लेंथ का विमीय समीकरण। इसलिए विकृति भी क्या होती है? विमाहीन होती है। इसके अलावा कोण है। कोण में क्या होता है? चाप बटा त्रिज्या। तो चाप भी किसके किसका विमीय समीकरण आएगा? लेंथ का। और त्रिज्या उसमें भी किसका आएगा? लेंथ का आएगा। तो उसमें भी क्या होता है? चाप भी क्या हो गया? एक विमाहीन राशि हो गई। उसके बाद में इन ये तो हमने विमीय समीकरण ज्ञात किया है। इनके अलावा कोई भी विमीय समीकरण हम क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि इनमें एम एल टी भी है, इसके साथ में ए भी आ सकता है, के भी आ सकता है। 7 मूलभूत राशि है ना, वो इसमें आ सकते हैं। इस प्रकार हम कोई भी विमीय समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। आपके कोई विमीय समीकरण समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।